राम राम बिस्वार भाई। तो कैसे आप सब भाई? अब ठीक होंगे भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया। अभी चल रहे भाई कोचिंग की तरफ। अरे भाई आज गुल मिले मेरे को बस 100 रुपये, तो खा पी लिए कुछ। हाँ चलो कोई नहीं, खाऊँ पियोंगे भाई। अभी तो भूख नहीं, घर से खा के निकला हूँ। आज भाई खाया था घेवर, बढ़िया लगा कर एक नंबर का। यार खा के लेट आऊँ तो साथ में पीछे टिफिन दिख रहा होगा भाई अपना। यो भाई नमकीन चाड़ ले आया था मैं, क्योंकि भाई आज मैंने कल जैसे कि आपको बताया था कल के व्लॉग में कि आज मैं 9 बजे निकलूँगा और 6 या 6 बजे घर पे आऊँगा। मतलब पूरे कितने घंटे लगे? 6, 7, 8, 9, 10 घंटे बाहर हूँ भाई आज मैं घर से। तर भूख तो लगेगी जाहिर सी बात है। तो चलो भाई अभी चलते हैं कोचिंग की तरफ। कोचिंग पर तो जाना जरूरी बहुत ज़्यादा। फिर एक बार टायर्स में हवा भी चेक कराने, पापा बोल रहे थे अभी पीछे की टायर में हवा कम है, तो एक बार भाई हवा भी चेक करा लेंगे। तो मिलते हैं भाई आपको आगे। फिर मैं तो गौशाला में रोटी लेके, और भाई रोटी डाल दी है, जय गौ माता। और भाई इस पन्नी को दूर फेंक दो भाई। और भाई जितने भी ये गोए वगैरह को रोटी डालते हैं, बाहर रोटी वगैरह डालते हैं, तो भाई उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने इसलिए दिखाया आपको ये पन्नी वगैरह कि भाई इनके एक अगर इनके पेट में जैसे बाहर वगैरह है, गौशाला में यहाँ पे ठीक है भाई, अगर ना बाहर अगर पन्नी के साथ जब खाना डाल देते हो तो भाई ये गौ वगैरह गौ माता वगैरह वो खाती हैं, तो वो पन्नी पेट में चले जाते हैं इनके, तो उससे ही बहुत बुरा इन्फेक्शन हो जाता है। तो भाई हो सके तो गाय को खाना वगैरह डालना तो गौशाला में जाके डाल दो, या कहीं और दिखे तो वहाँ पे खिला दो। पर पन्नी में खाना डाल के, वेस्ट खाना पन्नी में डाल के ऐसे मत फेंको भाई, थोड़ा ध्यान रखा करो। Once more.